चलो ठीक है, अब देखेंगे स्क्रीन विजिबल है ना। कुछ क्वेश्चंस बनाना या थ्योरी से स्टार्ट करूं? अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दिया हूं ना। चलो तो आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। सर, हाँ सर ये चैप्टर का एक बार ओवरव्यू दे सकते हैं कि पढ़ना क्या क्या है? इसमें ये सर ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है 11th का, उसमें क्या क्या पढ़ना है? अच्छा ठीक है, ये फिनिश होगा उसके बाद बता दूंगा है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में सिर्फ बता रहा हूँ कि जैसे फॉर्मूला पढ़े थे किसका, कंपाउंड एंगल्स का, मल्टीपल एंगल्स का, सब मल्टीपल एंगल्स का है ना। इसमें कंडीशनल आइडेंटिटीज रहेगा, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुका हूँ। साइनस हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। वही तुमको टैन सेक के साथ, कॉट कोसेक के साथ, वो हो गया तुमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गया नॉर्मली। कंडीशनल आइडेंटिटीज में कुछ कंडीशन दिए हुए रहेंगे, उसके बेसिस पे डिराइव करना होगा कि क्या कंडीशन, क्या आइडेंटिटीज आएंगे है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज पढ़ना है एंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो तुमको फॉर्मूला यूज करके ही, जैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जैसे तुमको टैन 22.5 डिग्री का वैल्यू पूछा गया कहीं, यस कॉट 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें तुमको सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला लगेगा। वो किस तरह से करना है वो फॉर्मूला तुमको यूज करके दोनों लग जाए, सब मल्टीपल एंगल का है ना। हाँ सब मल्टीपल एंगल्स का, तो इसमें ये नहीं बता सकते हो। टॉपिक वाइज में तो तुम फॉर्मूला से ही डिफाइन कर सकते हो कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा और कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। मैक्सिमम मिनिमम एक पढ़ना रहेगा इसमें भी, जो हम लोग फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे ए साइन। हाँ बोलो सर, एक बार मैक्सिमम मिनिमा का रिविजन करा दीजिए ना। मैक्सिमम मिनिमा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, उसका याद नहीं है सर? फंक्शन मेरा नहीं हुआ था ना। अच्छा जल्दी जल्दी बता दीजिए। अच्छा ठीक है वो, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज देख लेंगे उसके बाद। अध्याय समझ में आया? यस सर। इसमें तुमको फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा, वही यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चंस में कैसे सर, एक चीज पूछे। हाँ बोलो सर। आप बताए कि सर कंडीशनल आइडेंटिटीज जो होता है इसमें सर क्या आ जाएगा? जैसे सर मतलब a इक्वल टू b लेकर हम लोग साइन 2a 2 tan a by 1 plus tan square a निकाल देते हैं, इस टाइप का। चलो हाँ ठीक है, वो कंडीशन हो गया कि a is equal to b दिया हुआ है, तो वो उसके बेसिस पे वो हो जाएगा। कंडीशनल आइडेंटिटीज में बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है कि ट्राइंगल से रिलेटेड कि a plus b plus c is equal to pi है, तो अब फॉर्मूला पूछा जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b, देखेंगे इसके जस्ट बाद प्लस साइन 2c, अगर इस तरह से है तो क्या होगा है ना, इसके बेसिस पे क्या आइडेंटिटीज डिराइव किए जाएंगे। साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस के टर्म्स में भी आ जाएगा, टैन के टर्म्स में भी आ जाएगा, कॉट के टर्म्स में भी आ जाएगा, ठीक है वो देखेंगे। मेनली क्या होता है साइन कॉस टैन देखा जाता है, उसी के बेसिस पे कॉट हम लोग डिराइव कर लेंगे है ना। तो इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज के बाद कि क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में देखो टू टाइप्स के पढ़े जाते हैं, एक कॉस का और एक साइन का है ना। साइन में जैसे टू टाइप्स के होते हैं, साइन यहाँ पे ध्यान देना, ये अल्फा प्लस साइन, अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ये ध्यान रखना। जो ये एंगल्स हैं वो किसमें है जी, आर इन एपी अर्थमेटिक। हाँ तभी हम लोग ये बना सकते हैं
ये ध्यान देखना क्या है, अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस टू बीटा है एंड सो ऑन, लास्ट टर्म अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। सेकंड में कॉस अल्फा प्लस कॉस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म होगा वो कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना है ना, कैसे इसका डेरिवेशन है वो ध्यान में रखना है कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है फॉर्मूला को, और जो फॉर्मूला लास्ट में आएगा वही याद रखना है क्योंकि वही तुमको यूज होगा, डेरिवेशन से मतलब नहीं है बट कैसे वो फॉर्मूला आता है वो ध्यान में रखना क्योंकि समटाइम्स वो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है किसी न किसी प्रॉब्लम में, क्या सोचना है, जो वो एक सोचने का टेक्निक ही होता है, डिफरेंट फॉर्मूला देखोगे डेरिवेशन वगैरह से, एक्चुअली डेरिवेशन कहीं यूज होता नहीं है लेकिन डेरिवेशन वगैरह फिजिक्स हो मैथ्स हो इसमें देखने से क्या होगा कि कॉन्सेप्चुअली क्या हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, इसलिए डेरिवेशन देखना चाहिए कि कौन सा स्टेप यूज किया गया है, क्या चेंजेज किए गए हैं, क्या अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है ना, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन, उसमें देखना चाहिए। तो चलो फर्स्ट वाले में अगर इसका डेरिवेशन देखना है कि फाइनली क्या फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं उसके बेसिस पे बता दूंगा कि कैसे याद तुमको रखना है फॉर्मूला। तो यहाँ ध्यान दो, साइन क्या है, अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। अब इसमें क्या करेंगे, ये सीरीज हो गया, सपोज एस हो गया, ध्यान दो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस वाई टू से, है ना, यहाँ पे देखो टू साइन यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस वाई टू से, है ना, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो डिवाइड में दिए हैं तो टू साइन कॉमन डिफरेंस वाई टू से, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। एस इज इक्वल टू टू साइन कॉमन डिफरेंस बाई टू, अब कॉमन डिफरेंस आएगा क्या, कॉमन डिफरेंस ऑफ क्या है जी, बीटा, ये सुनो, हेलो, यस सर, तो अब कॉमन डिफरेंस बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा बाई टू, है ना, तो देखो एस इज इक्वल टू जो आएगा वो देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू साइन बीटा बाई टू, है ना, एन टू साइन अल्फा प्लस टू साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट डॉट, लास्ट टर्म लिखेंगे साइन बीटा बाई टू, है ना, इनटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टू साइन बीटा बाई टू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखो ये टर्म टी वन ले लो, है ना, ये टर्म क्या हो जाएगा टी टू, ये टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है, तो ये टी एन, तो देखते हैं फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, तो टी वन ये टू साइन बीटा बाई टू सारे में हो जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ लिख सकते हैं टी वन को देख रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, उसके बाद डिवाइड कर देंगे टू साइन बीटा बाई टू से, तो टी वन को लिखोगे टू साइन बीटा बाई टू, है ना, इंटू साइन अल्फा, अब बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, टू साइन ए इंटू साइन बी, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है जी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, हाँ तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी करोगे
तो लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये सुनो चेंज करके लिख लो ना, साइन अल्फा पहले लिख लो हर एक टर्म में, साइन बीटा बाई टू को बाद में लिख लो, ऐसे लिख लो तो थोड़ा सोचने में इजी रहेगा, कैलकुलेशन वही आएगा कैसे भी लिख लो। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी माइनस ए, होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सुनो तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी लिखो और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस बी माइनस ए। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, तो हालांकि ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, तो यहाँ लिख लो टू साइन अल्फा पहले लिख लो हर एक टर्म में, इन टू साइन बीटा बाई टू, चलो यहाँ से लिखोगे तो कॉस क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये सुनो टी टू सिर्फ ऊपर वाले को कर रहे हैं, तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा इन टू साइन बीटा बाई टू, दिस इज इक्वल टू कॉस दिस माइनस ये करेंगे तो क्या आएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये सुनो माइनस कॉस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, समझ में आ रहा है जी, टी थ्री टू साइन अल्फा इन टू अल्फा प्लस टू बीटा इन टू साइन बीटा बाई टू, दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, इट मीन्स क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा प्लस टू बीटा माइनस बीटा बाई टू, तो टू बीटा माइनस बीटा बाई टू कितना हो जाएगा, कोई बोल नहीं रहा, थ्री बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू, ये सुनो एंड सो ऑन इस तरह से जाएगा, टी एन के बारे में देख रहे हैं तो टू साइन जान दो अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इन टू साइन बीटा बाई टू, तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है बीटा में, तो कॉस अल्फा प्लस यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, टू बीटा है तो देखो क्या हो रहा है थ्री बीटा बाई टू हो जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एन माइनस वन है तो एन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, इट मीन्स एन बीटा बाई टू हो जाएगा, समझ में आया, देखो ना टू बीटा है तो यहाँ पे क्या रहा है थ्री बीटा बाई टू, यहाँ देखो बीटा है तो बीटा बाई टू आ जा रहा है, एक मिनट ओके ओके टू बीटा तो फाइव, यहाँ पे क्या आएगा ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा टू बीटा बीटा तो अल्फा माइनस बीटा हाँ थ्री बीटा बाई टू, ठीक तो है, अगर फाइव यहाँ पे थ्री बीटा रहता तो क्या जाता फाइव बीटा बाई टू, थ्री तो फाइव फोर तो सेवन, ठीक तो है, ये सुनो वो सीक्वेंस देख रहा था, अगर ऐसे भी देखोगे तो एन माइनस वन क्या है बीटा और माइनस क्या हो जाता बीटा बाई टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा यही होगा ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंगल को, तब ये सुनो देखो अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाई टू, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो अल्फा को रहने दो प्लस यहाँ पे टू एन माइनस टू, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा टू एन माइनस टू, ये टू एन बीटा माइनस टू बीटा और माइनस बीटा आ जाएगा बाई टू, इट मीन्स अल्फा प्लस टू एन बीटा और माइनस थ्री बीटा बाई टू, ओके तो अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा बाई 2, ओके सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, समझ में आया, हेलो अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा बाई 2 है ना, अब माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस b हो जाएगा, तो बताओ cos अल्फा प्लस
अब देखो ए प्लस बी होगा तो ध्यान देना अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा अब प्लस क्या हो जाएगा बीटा बाई टू, तो इसको जो लिखोगे अल्फा प्लस क्या हो जाएगा टू एन माइनस टू, ये बीटा ये भी बीटा और प्लस क्या हो जाएगा बीटा अब बाई टू, तो ध्यान दो इससे सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा टू एन माइनस वन बीटा, टू एन माइनस वन बीटा अब बाई टू, ये सुनो हेलो हेलो बोलो। हाँ सर ठीक है ये क्लियर हो गया ना, तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया हूँ कि लास्ट टर्म क्या आएगा वो देख लेना ठीक ना, अगर कंफ्यूजन हो तो। अब क्या करना कि सारे को ऐड कर देना, तो एक सीक्वेंस देखो कि हर एक टर्म में देखो यहाँ पे देखोगे टी वन वाले में अल्फा माइनस बीटा वाई टू है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा वाई टू है, तो देखोगे इस तरह से टर्म है जो कैंसिल आउट हो रहा है, ये सुनो इसमें भी इस तरह से कैंसिल आउट होगा, इट मीन्स लास्ट वाले टर्म देखेंगे तो इसके जस्ट पहले वाले के लास्ट टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेंगे कौन सा फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का लास्ट टर्म, इट मीन्स यहां देख रहे हो टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट 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 टी एन एड करोगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस टू एन माइनस वन बीटा बाई टू। अब क्या करेंगे यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है cos c माइनस cos d दिस इज इक्वल टू टू साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। ओके तो ध्यान दो टू साइन क्या हो जाएगा, अब एंगल अगर कंफ्यूजन है तो अलग से ऐड करके देख लेंगे कि अल्फा माइनस बीटा बाई टू है, अब प्लस क्या करना है अल्फा प्लस टू एन माइनस वन बीटा बाई टू एक बार ऐड करना है, तो ध्यान दो ये हो जाएगा टू अल्फा है ना, अब प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा टू एन माइनस टू बीटा हो जाएगा अब बाई टू, कुछ ऐसा ही होगा ना। हेलो यस और नो, नहीं समझ में आया, अरे यार यस और नो समझ गए सर। हाँ टू अल्फा और इसके साथ देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा टू एन माइनस क्या है वहां पे प्लस टू एन बीटा माइनस बीटा और ये इसके साथ आएगा तो माइनस बीटा अब बाई टू, तो ये आ जाएगा टू अल्फा प्लस टू इंटू एन माइनस वन ये बीटा बाई टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, अब बाई टू है सी प्लस डी बाई टू, तो टोटल का ऐड कर दो बाई टू, कोई दिक्कत किसी को इनटू साइन डी माइनस सी, तो डी माइनस सी करोगे तो अल्फा प्लस टू एन माइनस वन ये बीटा बाई टू अब माइनस क्या है ये सिंपली सी प्लस डी यहाँ पे किया हूं, बाद में क्या करना पड़ेगा टू से यहाँ डिवाइड कर टू से डिवाइड कर देंगे है ना, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा और ये प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा, तो ये लिखोगे अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू एन माइनस वन अब प्लस वन और ये बीटा हो जाएगा अब बाई टू, तो ध्यान दो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन बीटा टू एन बीटा है ना, टू एन बीटा बाई टू 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 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन बीटा आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एन बीटा बाई टू हो जाएगा, डी माइनस सी बाई टू है, तो फाइनली जो वैल्यू आया टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट 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 प्लस टी एन इज इक्वल टू टू साइन देखो क्या आएगा एन बीटा बाई टू इंटू साइन
क्या लिखोगे? 2 अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, 2 अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू और डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड तो बाद में करना है। अब ध्यान दो, इसके बाद क्या है टी वन टी टू यहां पे लिखो, देखो ये जो लिखे हैं ये टी वन था, टी टू था, डॉट 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 प्लस में टी एन था, और इसके डिवाइड में क्या है टू साइन बीटा बाई टू। तो नाउ क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाई टू साइन बीटा बाई टू, तो यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा टू साइन बीटा बाई टू, तो ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस का जो वैल्यू आएगा वो यहां पे साइन एन बीटा बाई टू, एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू इंटू साइन, अगर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा टू अल्फा प्लस एन माइनस वन सी प्लस डी बाई टू था ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, बाई होल डिवाइडेड बाई टू है ना, तो होल डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। ओके ये समझ में आया, इसको लिखने का तरीका और भी अलग डिफरेंट हो सकता है कि तुमको ए सी जी इक्वल टू दे दिया गया साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू इंटू साइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस एन माइनस वन ये बीटा बाई टू हो जाएगा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। समझ में आया? हेलो हेलो, कोई बोल रहा है? आवाज जा रही है? हाँ सर। समझ में आया या नहीं क्या किए जो? यस सर। तो कॉस वाले डिराइव कर सकते हो, कॉस वाले में क्या आंसर आएगा जो? हेलो। हाँ सर। तो कॉस वाले में देखो, तो यहाँ ध्यान रखना इसका फॉर्मूला जो आएगा साइन अल्फा, अगर सीरीज इस तरह से रहा कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट डॉट साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन नंबर ऑफ टर्म्स बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू इंटू, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन ये बीटा बाई टू, इसी के टर्म्स में लिखना, और बाकी इस तरह से लिख सकते हो है ना। कॉस वाले में देखो क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, इसका बताओ तो ये सेकेंड नंबर है ना। अगर फर्स्ट वाले का अगर ध्यान में रखना है फॉर्मूला, तो कैसे ध्यान में रख सकते हो? देखो ध्यान में रखना है इसको, तो इस तरह से करना कि इसको चेंज कर लो थोड़ा, ये टू अल्फा या सिंपली क्या होगा ओके अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा अब भाई
टू, ये एन बीटा बाई टू यहाँ पे, तो ये देखोगे ये नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म, ये वाले लास्ट टर्म, और यहाँ पे ये देखोगे ये कॉमन डिफरेंस, ये होल डिवाइडेड बाई टू है ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई क्या है, टू लिखा हुआ है, तो जो कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वही आ जाता है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा और तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे जो आएगा साइन नंबर ऑफ टर्म्स इन टू कॉमन डिफरेंस बाई टू डिवाइडेड बाई साइन कॉमन डिफरेंस बाई टू, तो कॉस में जो देखो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, अगर ये फाइंड करोगे है ना, देख लेना ये होमवर्क में रहेगा, डिराइव करके आता है कि नहीं, इसका जो फॉर्मूला आएगा ये साइन एन बीटा बाई टू आएगा है ना, डिवाइडेड बाई साइन ये बीटा बाई टू इन टू, यहाँ पे देखो साइन के केस में साइन आएगा एंड कॉस के केस में यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन ये बीटा, इसी के टर्म्स में लिखना अबाई टू, ये फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, हालांकि टू अल्फा भी लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म होगा, ये क्या है लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई ये टू है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस अबाई टू सारे में बाई टू रहेगा, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस ये बीटा है कॉमन डिफरेंस, और इसको देखोगे बाई टू लिखा हुआ है टोटल, है ना, समझ में आया, हेलो सर, इसको भी वैसे डिराइव करेंगे ना, हाँ वैसे ही सेम फॉर्मूला सेम टाइप का कॉन्सेप्ट, वहां भी साइन बीटा टू साइन बीटा बाई टू से डिवाइड करना है और टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करना है होल टर्म में, और जो न्यूमरेटर में आएगा उसको T1, T2, T3 इस तरह से एज्यूम कर लेना और सम ऑफ T1, T2, T3 फाइंड कर लेना, देन उसको डिवाइड कर देना टू साइन बीटा बाई टू से दोनों तरफ, और फिर वहां से साइन फॉर्मूला फिर यूज होगा जैसे उसमें यूज हुआ है एज इट इज, सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा, याद तुमको इसी तरह से करना है और ये भूलना नहीं है, बहुत सारे जगह पे इसका यूज होता है, फॉर्मूला सिंपल है, अगर रिलेट करके ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा, अगर रटना चाहोगे तो भूल जाओगे, हर एक दूसरे तीसरे दिन तुमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या होता है, कौन सा टर्म कैसे यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में जो, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बनाओ, हो जाएगा कि नहीं, यस सर, अच्छा तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें, दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना, एग्जाम्पल कॉस के केस में कॉस आ जाता है कॉस टू पाई बाई इलेवन प्लस कॉस फोर पाई बाई इलेवन प्लस कॉस सिक्स पाई बाई इलेवन प्लस डॉट डॉट कॉस 20 पाई बाई 11 है ना, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, फॉर्मूला यूज करके ही, फॉर्मूला देखो जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, बनेगा ये सुनो बच्चे कम है अक्षर सूरज बताओ
बना रहे हैं। अच्छा शुभम बना रहे सर, बन जाएगा, बन जाएगा। N is equal to number of terms 10, n minus 1 लिखते हैं ना, ये basically n minus 1 लिखते हैं ना जी, alpha plus n minus 1 into beta, है ना। तो common difference 2 pi by 11, है ना, तो common difference by 2, ये beta by 2 आ जाएगा, this is equal to pi by 11, है ना। अल्फा का वैल्यू यहाँ पूछा जाए तो 2 पाई बाई 11, एन का वैल्यू पूछा जाए तो 10 लिख दिया हूँ। फॉर्मूला में क्या करना है, पुट कर देना है। आप एस इज इक्वल टू क्या बताए थे, साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, है ना। बीटा क्या था, कॉमन डिफरेंस था, इंटू कॉस है, कॉस का सिक्वेंस है तो कॉस में लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस एन माइनस वन, ये बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 था। तो फॉर्मूला में रख दो, एन का वैल्यू साइन, एन का वैल्यू क्या आया 10, इन टू बीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 11, है ना। तो बीटा बाई 2 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 11 इन टू कॉस, फर्स्ट टर्म 2 पाई बाई 11 प्लस, ये देखो अल्फा लास्ट टर्म है, ये बेसिकली अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, तो लास्ट टर्म क्या है 20 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया, तो साइन 10 पाई बाई 11 इंटू कॉस क्या लिखेंगे, 2 टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से 10 प्लस 1 11 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 11। अब क्या करेंगे, इसको जो लिखना है वो क्या लिखेंगे, 11 पाई माइनस 10 पाई पाई लिख सकते हैं, है ना। अब भाई क्या हो जाएगा 11, तो ये पाई माइनस पाई बाई 11 हो जाएगा साइन में, तो सेकेंड क्वाड में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पाई बाई 11 निकल गया, साइन पाई बाई 11 और यहाँ हो गया कॉस पाई, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस। समझ में आया, हेलो यस और नो बोलो ना सर। आ गया जब आंसर आ गया था, यस सर। सबसे बना या नहीं बोलो हिमांगे। हाँ सर बन गया था, यस सर। ओके गुड, नेक्स्ट इसी तरह से एनालाइज करके सबको क्या करना, स्प्लिट कर लेना, हर एक टर्म्स को अलग कर लेना और डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे कि क्या करना है, जो है ना। एक एग्जांपल और, साइन अल्फा कुछ सिंपल टाइप के, साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा प्लस डॉट 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 साइन 2n माइनस 1 अल्फा, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा जल्दी से आंसर बताना है।
किसी का आंसर आया? Anyone got the answer? No. देखो फॉर्मूला पे इसको क्या करना है, सेट करना है। फॉर्मूला तो पता ही है, वो तो ये नहीं है, तुमको क्या करना है याद ही रखना है। डिराइव करने जाओगे तो अब तक तो डिराइव करके डेरिवेशन इसका मिल जाता कि क्या होगा, है ना। ये इस ऑर्डर में भी करते तब क्या तरीका है वो तुमको पता ही है। फॉर्मूला भूल भी गए हैं तो इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस बाई टू से टू साइन, कॉमन डिफरेंस बाई टू, है ना, उस वाले टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। तो इतने देर में तो सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेते हैं। आंसर आया किसी का? कोई नहीं, न्यूमेरिकल आंसर है क्या? इंटीजर आंसर? इंटीजर आंसर नहीं है। इस तरह से आंसर आया, मैच कर लेना आंसर। बता साइन टू एन अल्फा into sin l alpha by sin alpha sin square a n theta by sin theta, is tarah se answer aaya? Akshat, Suraj? No sir, aisa nahi hai mera aaya. Adya? Nahi to galat hai, kuch nahi kar sakte ho iske sath. अंशुल, थीटा कैसे आ जाएगा इधर? अच्छा अल्फा के टर्म्स में रखो ना, चेंज कर दिया था क्वेश्चन को, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दे, अल्फा नहीं आ रहा है तो। अब साइन स्क्वायर एन अल्फा, अब आइए साइन अल्फा, है ना। देखो सॉल्यूशन में हम लोग सीक्वेंस जो पढ़े हैं, है ना, सीरीज जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज इन द फॉर्म ऑफ साइन के फॉर्म में, तो साइन क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा, इसको ध्यान में रखोगे तभी तो बनेगा। साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, लास्ट टर्म जो एपी के ये क्या बोले हैं कि एंगल्स किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, तो लास्ट टर्म तो इसी ऑर्डर में लिखते हैं ना, है ना। अब ध्यान दो, इसको इसी के टर्म्स में क्या करना है, स्प्लिट करना है कि इस तरह से दिखे वो। तो फर्स्ट टर्म तो पता है कि अल्फा हो गया, इसको कैसे लिखोगे, साइन ये अल्फा हो गया। सेकेंड टर्म को लिखोगे साइन अल्फा प्लस टू अल्फा, थर्ड टर्म को लिखोगे साइन अल्फा प्लस फोर अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म को लिखोगे वो साइन नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, टू एन माइनस टू ना जी, टू एन माइनस टू अल्फा। अब ध्यान देना, अगर उसके टर्म्स में लिख रहे हो तो इसी को लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस, देखो 2 अल्फा प्लस साइन, कॉमन डिफरेंस देखो दिख रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है अल्फा, कॉमन डिफरेंस 2 अल्फा, ये सुनो समझ में आ रहा है, तो ये 2 अल्फा हो गया, है ना, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, साइन यहाँ पे लिखोगे अल्फा, इसको एन माइनस वन अगर बाहर आ जाएगा, हाँ प्लस एन माइनस वन इंटू टू अल्फा, ये सब दो। तो नंबर ऑफ अगर टर्म्स देखोगे तो कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे कि फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है अल्फा हो गया, लास्ट टर्म क्या है क्या लिखा हुआ जी, 2n माइनस वन अल्फा, 2n माइनस वन अल्फा, तो कॉमन डिफरेंस पता ही है कि क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 अल्फा, ये सुनो। तो tn इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म
प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, होता है कि नहीं? तो 2n माइनस वन बता रहा हूँ वन वन करके, अगर नहीं बन रहा तब 2n माइनस वन अल्फा हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया अल्फा, ठीक है, n माइनस वन इंटू यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2 अल्फा, ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n माइनस टू अल्फा हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू n माइनस वन टू अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2n माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू n माइनस वन, तो ध्यान दो यहाँ से आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल n माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, तो n का बोलोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया n हो गया, यस और नो, नंबर ऑफ टर्म्स समझ में आ रहा है, नहीं तो उस ऑर्डर में लिख भी दिया हूँ कि अल्फा प्लस ये कॉमन डिफरेंस यहाँ चल गया, ये n माइनस वन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, अल्फा से शुरू हो रहा है टू अल्फा थ्री टू अल्फा थ्री अल्फा, इस तरह से होते चला जाएगा, देखो वन इंटू अल्फा है टू इंटू टू अल्फा है कॉमन डिफरेंस, वन इंटू कॉमन डिफरेंस टू इंटू कॉमन डिफरेंस थ्री इंटू कॉमन डिफरेंस, इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे ही दिख रहा था कि n होगा, अब फॉर्मूला में पुट कर दो, s इज इक्वल टू साइन n नंबर ऑफ टर्म्स, तो n ही है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इंटू कॉमन डिफरेंस बाई टू, तो टू अल्फा बाई टू, है ना, डिवाइडेड बाई साइन कॉमन डिफरेंस टू अल्फा बाई टू इंटू साइन के टर्म्स में, तो साइन आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म अल्फा, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टू एन माइनस वन अल्फा, टू एन माइनस वन अल्फा, अब बाई क्या हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई टू, दिस इज इक्वल टू साइन एन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इन टू, यहाँ देखो वन वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू एन अल्फा बाई टू इट मीन साइन एन अल्फा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एन अल्फा, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया है ना, ये सो नो, टफ लग रहा है क्या? नो सर। हिमांगी बोलो सर, मतलब खुद से पूरा नहीं बनाता, बट अभी सर समझ गए, समझ गया ना, हाँ वो यस सर, शुरुआत में कोई भी चीजें टफ लगता है कि हाँ, क्योंकि अननोन चीजें है ना, तो थोड़ा सा समझने में लगता है टाइम, बट एक बार समझ जाओगे उसमें टाइम देना पड़ेगा, दो तीन बार देखना पड़ेगा सेम चीजों को, है ना, सेम चीज को दो तीन बार देखोगे तो हो जाएगा, टफ है नहीं, है ना, एक बार समझ में आ गया फिर भूलोगे नहीं, एटलीस्ट क्या करना वो आ जाएगा, फिर स्पीड तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि कितने प्रैक्टिस करते हो, और भी इस टाइप का एक दो क्वेश्चन करना है कि अब कंडीशनल आइडेंटिटी पे जाएं, मूव करें, ये बनाना है, एक लास्ट, है ना, देखो अगर इसी में ऐसे रहता सेम में दे रहा हूं एग्जांपल, अध्या नहीं समझ में आ रहा, एकदम शांत बैठी हुई है, साइन अल्फा प्लस साइन थ्री अल्फा प्लस साइन फाइव अल्फा प्लस साइन एटी वन अल्फा, इसका वैल्यू बताओ तो जल्दी से, अभी तो बताया हूँ इस टाइप का, हाँ आ रहे हैं मेरा आवाज, हाँ हाँ बोलो सर, कुछ स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा अक्षत तो दिख रहा है ये स्क्रीन, हाँ सर दिख रहा है, अच्छा तो आद्या तुम लिखो प्रॉब्लम, साइन अल्फा प्लस साइन थ्री अल्फा प्लस साइन फाइव अल्फा प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म लिखो प्लस साइन 81 अल्फा, लिख ले, यस सर, हाँ बताओ क्या आएगा सर, साइन पर 81 अल्फा बाय साइन अल्फा, साइन 81 अल्फा मार खाएगा,
तो साइन स्क्वायर एटी वन अल्फा, साइन स्क्वायर एटी वन अल्फा बहुत मार खाएगा। तुरंत फॉर्मूला में पुट कर दिया ना, वो मुझे दिख रहा है कि तुम फॉर्मूला में पुट किया है। देखो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चंस में 2n माइनस 1 अल्फा था, तब वहां पे तब n आया है, है ना। 2n माइनस 1 था तब, इसको अगर ब्रेक करोगे तब उस ऑर्डर में जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 40 माइनस 1 जी, 2 इंटू 42 माइनस 1। एक मिनट एक मिनट, टू इंटू 41 माइनस 1, वहां लिखा हुआ था ना 2n माइनस 1 अल्फा, है ना। तो इसके फॉर्म में जाओगे तब n इज इक्वल टू क्या हो गया, 41 हो गया। तब फॉर्मूला में पुट करोगे तब आएगा साइन स्क्वायर 41 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ये आंसर आना चाहिए। नहीं समझ में आया, ऑड में जा रहा था अल्फा, मेरा आ गया, आ गया ना, गुड, सब आ गया। नहीं आ गया ना, चलो नहीं जिसका आया वो बना लेना, प्रोसेस तो बता दिया हूँ। चलो अब इसी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, है ना। देखो समटाइम्स तुमको क्वेश्चंस इस तरह से, ये भी सीरीज पे ही बेस्ड है, सीरीज टाइप का ही है, बट वो समेशन वाले नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। टाइप टू ही लिख लो, इस टाइप का भी वो टाइप वन था, तो वो फॉर्मूला उसके लिए ध्यान रखना। तो सपोज यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स, अब आइए साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, इसमें भी एक पैटर्न रहता है ना, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी को चेंजेज करके आंसर ले आना है। थ्री एक्स इंटू साइन फोर एक्स प्लस साइन एक्स, हो सकता है कि साइन एक्स तुमको क्वेश्चन में नहीं दे, इसी में साइन एक्स को गायब कर दे और वन वाई में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में रहे, तो हो सकता है ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना। साइन फोर एक्स इंटू साइन फाइव एक्स प्लस डॉट 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 साइन एक्स इंटू जो या एन टर्म्स तक लिख लो, अप टू एन टर्म्स, है ना। तो ध्यान इस तरह के क्वेश्चंस को, इसको क्या रहेगा, सम करके तुमको बताना है कि आंसर क्या होगा, या अब सॉल्यूशन बताऊंगा उसके बाद में इसमें वेरिएशन बता सकते हैं कि हो सकता है इस टाइप के भी रहे। तो इसमें करना क्या है, एक चीज इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ 2x 3x इस तरह से ही जाएगा कि AP में जाएगा ये एंगल, है ना, 2x 3x 3x 4x, तो इस तरह से रहेगा कि ये सब जो जाएंगे कि हर एक दोनों का डिफरेंस जो होगा यहाँ सेम होगा, है ना। ये दोनों का डिफरेंस देखो नहीं रहेगा तो तुमको वो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहा है x है, यहाँ भी डिफरेंस x है, यहाँ भी डिफरेंस देखोगे x है, ये सुनो समझ में आ रहा है। तो लास्ट टर्म में भी डिफरेंस देखोगे तो एक ही होगा। अब ये चीज ध्यान देना, ये 2x है तो हर एक AP में जाएगा, ये वाले टर्म इसके साथ, ये सर टर्म ऐसे जाएगा, किस में होगा, एंगल्स इन AP। तो सेकेंड वाले भी वैसे ही रहेंगे, ये तो बताएं कि डिफरेंस सेम रहेगा, हो सकता है 2x रहे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, 3x रहे डिफरेंस तो 3x यहाँ पे आएगा, हर एक में 3x, sin 3x, sin 3x, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ वो। तो डिफरेंस फिक्स रहेगा और ये जो टर्म है वो AP में ही रहेगा, इस तरह से जो ऑर्डर जा रहा है, आई बात समझ में हर एक का, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो n टर्म्स तक जा रहा है, तो लास्ट टर्म अगर लिखना भी चाहोगे अप टू कितने तक है, n टर्म्स तक, तो अगर लिखना है कि लास्ट टर्म क्या आएगा, तो tn अगर लिखना चाहोगे तो sin x तो न्यूमरेटर में रहेगा ही डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो 2x जा रहा है तो 2x 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो nth टर्म क्या होगा जी, sin n plus 1x, है ना, वेयर n इज क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर,
इनटू साइन एन प्लस टू एक्स। अब एन का वैल्यू वन पुट करो, देखो टू से स्टार्ट हो रहा है, एन का वैल्यू थ्री पुट करो तो थ्री से स्टार्ट हो रहा है, एन का वैल्यू सॉरी एन का वैल्यू वन पुट करो तो टू आ गया, एन का वैल्यू टू पुट करो तो यहाँ देखो थ्री आ गया, सेकेंड टर्म वाले फर्स्ट आया, तो इस तरह से आ जाएगा, ये टी एन टर्म हो गया। तो इसमें करना क्या है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? आद्या दिख रहा है स्क्रीन? नहीं सर। अच्छा क्या करोगे तो फिर क्या उपाय है बताओ, एक बार कट करके फिर ज्वाइन करो ना। यस सर। देखो ट्राई करके, अक्षर हेलो, सूरज तुमको समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं ना है, ये सब पढ़ा हुआ है? पढ़े सुने सर, एनसीईआरटी बनाए। अच्छा एनसीईआरटी बना, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना जितना पढ़ाया हूँ वो चीज में? यस सर समझ आ रहा है। ओके तो हो जाएगा। अब शुभम तुमको? हाँ सर आ रहा है। ओके अच्छा ठीक है, हाँ देखते हैं। अंशुल मोदी जी के बाद तुम ही सेकंड पर्सन है जो बहुत बिजी रह रहे हो, बात तो करते ही क्या सर बोल? क्या क्या बोले सर? बोले कि मोदी जी के बाद तुम ही लगता है कि सबसे ज्यादा बिजी पर्सन है। नहीं सर ऐसा क्यों, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? दिखते ही नहीं हो, ऐसा लगता है मिलने के लिए घर पे आना पड़ेगा। आद्या तुम्हारा ज्वाइन किए सर? मेरे साथ भी अभी यही हो रहा था। अच्छा तुम्हारे साथ यही हो रहा है, इतना ही सोचा सर में। सर मेरा बीच में ऐसे ही चल गया 15 मिनट, फिर मैं काट करके 2-3 बार ज्वाइन किया ना, तब मेरा ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अरे यार ट्राई किया करो, ये सब कट करके ज्वाइन करने का और कई से तो अब क्या ही करोगे उसका। रिद्धिमा रिद्धिमा हाँ सर समझ में आ रहा? ये सर मत बोलना, मुझे पता है कि बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम होता है। क्या थोड़ा थोड़ा? अच्छा कब ज्वाइन किए है? लेट से ना सर, 10 मिनट लेट हो गया। अच्छा अच्छा आद्या अब दिख रहा है सर? दिख रहा है ना? हाँ स्वयं कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जा दो। अब देखो इसमें क्या था कि देखो इस टाइप का टाइप टू में बताया हूँ कि ये देखना पड़ेगा, ये sin x देखो कॉमन है, हो सकता है कि न्यूमरेटर में sin x नहीं दे तो अपने तरफ से वो क्या करना पड़ेगा, बेसिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर लिए, सेम टर्म से डिवाइड कर लिए। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या चीज है कि हर एक का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा हर एक टर्म में, है ना? हर एक का देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 4x माइनस, क्या बोल रहे हैं, एंगल का डिफरेंस है ना, 5x माइनस 4x करोगे x आएगा, 4x माइनस 3x करोगे x आएगा, 3x माइनस करोगे 2x तो x आएगा। अब क्या होगा कि ये सब टर्म साइन जैसे 2x हो गया तो एंगल्स जो इसका जाएगा है ना, साइन 2x साइन 3x साइन 4x ये सब क्या होंगे, एपी में रहेंगे, एपी में ही रहेगा, ठीक है, एंगल्स आर इन एपी। तो इसमें क्या किया जाता है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो फर्स्ट टर्म को उठाएं, है ना, जैसे इसको बोल दिए फर्स्ट टर्म को T1 बोल दिए, सेकंड टर्म को T2 बोल दिए, ये फर्स्ट टर्म क्या है, इसको T1 बोल दिए, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये N जो आएगा ये TN टर्म। तो ऐसे ही 2-3 टर्म लिखना है और ये कैंसिलेशन वगैरह होते रहेगा और फाइनली आ जाएगा। तो चलो T1 जो लिखे हैं वो क्या है, साइन x, अब आइए साइन 2x इंटू साइन 3x।
अब देखो क्या करेंगे, डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 3x माइनस 2x लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 3x। अरे बात समझ में, देखो जो है न्यूमरेटर में लिखा हुआ डिनोमिनेटर में साइन 2x और साइन 3x तो वही लिख लिया डिफरेंस में, अब ये हो जाएगा x आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो, अब क्या करेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 2x और डिवाइडेड बाई साइन 2x इंटू साइन 3x। अब क्या करेंगे स्प्लिट कर लेंगे है ना, तो इसी को लिख सकते हैं साइन 3x इंटू cos 2x divided by sin 2x into sin 3x minus cos 3x into sin 2x divided by sin 2x into sin 3x। किसी को प्रॉब्लम, आप देखो डिवाइड करो तो ये फर्स्ट वाले में क्या होगा ध्यान देना, sin 2x तो sin 3x और sin 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां देखो साइन 2x साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा cos 2x / sin 2x cot 2x है ना, यहाँ पे देखो cot 3x। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो, जब p2 को करोगे sin x डिवाइडेड बाय sin 3x into sin 4x आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो sin 4x minus 3x divided by sin 3x into sin 4x, इसको भी अलग करोगे तो क्या आ जाएगा sin 4x into cos 3x divided by sin 3x into sin 4x minus cos 4x into sin 3x divided by sin 3x into sin 4x, तो यहाँ देखो cancel sin 4x cancel out हो जाएगा, यहाँ पे sin 3x cancel out हो जाएगा, तो यहाँ जो आएगा वो cot 3x minus cot 4x आएगा। तो ध्यान दो इस तरह से order मिल गया कि यहाँ पे first term में क्या था sin 2x sin 3x था, तो cot 2x minus cot 3x आ रहा है, यहाँ sin 3x और sin 4x था तो cot 3x minus cot 4x आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि t1 हो गया क्या sin x by sin 3x into sin 4x, this is equal to लिख सकते हैं cot 2x minus cot 3x t2 sin x divided by sin 4x into sin, अच्छा t1 था ये 2x, t1 तो sin 2x, हाँ 2x 3x, ओके ये 3 आ जाएगा और ये 4x आ जाएगा, तो cot 3x minus cot 4x t3 sin x divided by sin 4x into sin 5x is equal to cot 4x minus cot 5x है ना। अब इस तरह से अब tn जो लिखेंगे वो जाएगा sin x y sin n plus 1 x into sin n plus 2x, n plus 1 कैसे दिए कि 2x से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखो 3x है, यहाँ देखो 4x है, तो tn जो टर्म आएगा n plus 1 होगा, ऐसे ap में भी करके देख सकते हो कि 2 3 4 इस तरह से जा रहा है, तो tn टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए n, nth टर्म देखना है, तो n minus 1 into 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा n plus 1 आ जाएगा tn, तो n plus 1 into x और उसका जस्ट अगला तो n plus 2 हो जाएगा, this is equal to cot n plus 1 x minus cot n plus 2x। अब देखो यहां से कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान दो
इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। जब फर्स्ट टर्म बचेगा तो ये ध्यान रखना कि लास्ट टर्म बचेगा, जब सेकेंड टर्म बचेगा तो सेकेंड लास्ट टर्म बचेगा, है ना। जब सेकेंड टर्म बचेगा तो सेकेंड लास्ट टर्म बचेगा, इस तरह से सीक्वेंस ध्यान में रखना। जब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म बच रहा है तो लास्ट टर्म का लास्ट टर्म बचेगा, जब फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म बचेगा तो लास्ट टर्म का इधर से सेकेंड बचेगा, मतलब ऑर्डर, फर्स्ट का शुरू से देखें तो सेकेंड टर्म, तो लास्ट से देखेंगे तो सेकेंड टर्म बचेगा, इस तरह से ऑर्डर में, है ना। तो अब देखो T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, cot 2x माइनस cot n प्लस 2x, है ना। यही हो गया s इक्वल टू, हो सकता है कि इसको साइन कॉस में ब्रेक करके भी आंसर दे दे, इसको cot 2x माइनस ऐसे भी दे सकता है, ऐसे नहीं है। cot 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x माइनस sin 2x cot n प्लस 2x को cos n प्लस 2x डिवाइडेड बाय sin n प्लस 2x। अब देखो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, cos 2x by sin 2x माइनस cos n प्लस 2x डिवाइडेड बाय sin n प्लस 2x। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, sin n प्लस 2x इंटू cos 2x माइनस cos n प्लस 2x इंटू sin 2x, LCM ले लिए अब देखो ये a हो गया, है ना, ये b हो गया, तो यहाँ पे a है cos के साथ, यहाँ sin के साथ b चला गया, तो क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी, सॉरी sin a माइनस बी, है ना। तो sin क्या हो जाएगा, n प्लस 2x माइनस 2x, तो बताओ nx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना जी, इस तरह से दे सकता है आंसर। समझ में आया क्या किए हैं वो, हेलो, इस वाले फॉर्मूले को, ये सुनो, यस सर, ओके। तो ये ध्यान में रखना, यस सर, हाँ ध्यान में रखोगे तभी होगा, हो सकता है कि इसी क्वेश्चंस को कुछ चेंज कर देता तो साइन ए इक्वल टू ऐसे देता, साइन एक से मल्टीप्लाई नहीं करता, सिंपली लिख देता साइन 2x इनटू साइन 3x प्लस साइन सॉरी 1 बाई वन बाई साइन 3x इंटू साइन 4x प्लस 1 बाई साइन 4x इंटू साइन 5x प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो देखो ये दोनों का डिफरेंस, वहां पे साइन x मल्टीप्लाइड था ऑलरेडी, तो अब बेसिक मैनिपुलेशन इसमें करना पड़ता कि ये दोनों डिफरेंस क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है ना, मीन्स एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स डिफरेंस देखते हैं, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे एक्स ही, और ये भी टर्म्स जो है वो एपी में जा रहा है, तो बेसिकली वही क्वेश्चन है, तो क्या करना पड़ता, बेसिक मैनिपुलेशन करना पड़ता, ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना, एग्जैक्टली वाई, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना पड़ता, साइन एक्स इधर ही मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना, वो हर एक टर्म में आ जाएगा, ऐसे लिख लेते 1 by sin x, और sin x यहाँ पे चला जाता हर एक टर्म में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो इस तरह से चेंजेज दे सकता है,
हो सकता है साइन के फॉर्म में जब भी जाएगा ना, तो ध्यान रखना टैन ए के फॉर्म में जाए टैन ए माइनस टैन बी, कॉट ए माइनस कॉट बी के फॉर्म में जाएगा, इसी तरह से आएगा जब भी डिफरेंस आएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन हो गया यहाँ कॉस हो गया, ऐसा नहीं, सेम चीज रहेंगे, कॉट के तो कॉट के फॉर्म में, टैन के तो टैन के फॉर्म में, इसी तरह से। तो ऐसा नहीं कि इस तरह से रहेगा तो कॉस के बारे में सोचना, अगर कॉस ले लोगे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, न्यूमरेटर में कॉस ले लोगे तो कॉस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थ्री एक्स माइनस, अगर कॉस टू एक्स ले लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस टू एक्स माइनस प्लस हो जाएगा। देखो डिफरेंस में जाना चाहिए है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंस में जाना चाहिए। अब अगर कॉस लोगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, ये तो प्लस में हो गया, और डिवाइडेड बाई करोगे साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, साइन टू एक्स इंटू, देखो कैंसिल आउट होके इधर वन हो जा रहा है, और इधर आ जाएगा कितना कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट टू एक्स। तो इस तरह से नहीं होगा, जब भी आएगा तो एक फिक्स पैटर्न मिलेगा, कॉट टू एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स जैसे आया तो समटाइम्स टैन ए माइनस टैन बी के फॉर्म में आएगा हर एक के केस में, है ना, समझ में आ रहा है? हेलो तो इस तरह से पैटर्न रहेगा, और इससे ज्यादा वेरिएशन होगा भी नहीं, तो मल्टीप्लाई बेसिक मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट तो समटाइम्स वो यूज होगा ही, ठीक है। किसी को दिक्कत? हाँ, कभी ऐसा नहीं कर सकता सर कि प्लस माइनस अल्टरनेटिव में हो? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है कि तुमको, देखो चलो वो तो आगे के, ये देखो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट में नहीं दे, समेशन में दे, तो इस तरह से तुमको क्या करना है कि साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में दे दे, तो तुमको स्टैंडर्ड यही फॉर्मेट है, यहीं तक तुमको लाना होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना? वो उस तरह से देगा ना तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो ना, वो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, समेशन करना मुश्किल हो जाएगा अल्टरनेट में रहेगा तो। हो सकता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ा लेवल ज्यादा हो जाएगा, होने का तो हो सकता है होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस देखे नहीं है। हो सकता है देखो कि क्वेश्चंस में इस तरह से फॉर्म, प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में ना दे, समेशन में दे दे, जैसे ऐसे दे दे कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, है ना, वन बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस फाइव थीटा प्लस वन बाई कॉस थीटा प्लस, देखो यहाँ टू तो मेरे ख्याल से दो तीन पांच, यहाँ थ्री होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो कॉस थीटा प्लस कॉस सेवन थीटा प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। तो क्या करना है बोलो, पहले प्रोडक्ट में ले जाना है, तो प्रोडक्ट में ले जाओगे तो क्या करोगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लेना, देन इसको बनाना, समझ में आ रहा है ना क्या बोलें? हेलो, फिर बेसिक मैनिपुलेशन हो सकता है लगे, समझ में आया क्वेश्चंस कैसे बनेगा जो, तो इसको होमवर्क में रहेगा अप टू एन टर्म्स तक, आंसर क्या आएगा वो बता दूं क्या? हेलो हेलो, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ये किए रहेगा होमवर्क में, है ना, सेकंड ट्राई करके आना, हाँ टैन एक्स इंटू टैन टू एक्स, देखना इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टैन उस तरह से नहीं लगेगा, है ना, टैन थ्री एक्स प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, है ना, इसमें ध्यान देना कि क्या लिख सकते हैं इसको, जो कैसे इसको बनाओगे कि tan 2x है ना जी, तो हर एक के केस में देखो tan क्या लिख सकते हो, x, तो 2x माइनस x, है ना, फर्स्ट में डिफरेंस देखो सेम है x, डिफरेंस यहां भी x है, तो tan 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 2x इंटू tan x। अब ध्यान देना डिफरेंस में जाएगा ये, फिर से इसको क्या लिख ले लो, हर हर केस में tan x ही आ जाएगा,
हर एक केस में टेन एक्स आ जाएगा, तो ये डिफरेंस में देखो आ गया, तो इस तरह से ये इधर लेकर के डिफरेंस में लिख सकते हो, तो हर एक में देख लेना क्या आ रहा है जो है ना, उस तरह से देखना, अगर बन गया तो ठीक है। वन प्लस है, अच्छा वन प्लस टेन टू एक्स, टेन एक्स को ले जा सकते हो और टेन एक्स को डिवाइड कर सकते हो, हाँ तो हर एक में टेन एक्स डिवाइड हो जाएगा, वन आ जाएगा, तो एन के टर्म्स में जाएगा, मीन्स इसी को लिख सकते हो वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स है ना, और डिवाइडेड बाई टेन एक्स, तो अब लिखना रहेगा, तो टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स को अगर लिखोगे तो टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स, हर एक केस में, हर एक केस में माइनस बन जाएगा, तो इस तरह से सिक्वेंस लिखोगे बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक होमवर्क रह जाएगा, इनवर्स वाले अभी दे नहीं रहा हूँ, इनवर्स वाला एक बता दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल आइडेंटिटीज और उसके बाद फिनिश हो जाएगा। तो इसमें आज होमवर्क दे देंगे, ट्राई करना होमवर्क बना करके नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे होमवर्क लिख करके पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो नहीं ना, ये सर नो सर, हाँ सर, जो ग्रुप में मतलब जो और बच्चे हैं जो ग्रुप में, उसमें हम नहीं है तो उसमें भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक, चलो किसी और को कोई प्रॉब्लम बन जाएगा ना। सूरज कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, टेन टू एक्स टेन एक्स वाले बन जाएगा। यस सर, चलो तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, ओके बाय बाय।